नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बोरावड़ कस्बे से है, जहां आज गुरुवार को कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कार्य का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आयोजित शिविर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन कैसावत, पूर्व विधायक श्रीराम भीचर, बोरावड सरपंच मोहनलाल मेघवाल, उप सरपंच समीम खत्री, तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, विकास अधिकारी धन सिंह राठौड़, नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, कालवा सरपंच दिलीप सिंह, गैलासर सरपंच दिलीप सिंह, अतिरिक्त विकास अधिकारी अरविंद कुमार स्वामी सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान 305 पट्टे बनाने व 10 परिवारों को आवास स्वीकृति, 10 परिवारों को शौचालय स्वीकृति, 29 को शौचालय के भुगतान, पेंशन, 71 नए जॉब कार्ड, 23 लोगों के पेंशन संशोधन, 10 सहमति विभाजन, 8 रास्ता संबंधी प्रकरण, नामांतरण के 51, खाता शुद्धि के 140 व 794, जन्म मृत्यु और जाति प्रमाण पत्र 465, राजस्व प्रतिलिपि, कन्यादान योजना के 2, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का 1, पालनहार नवीनीकरण के आवेदन 21 सहित विभिन्न कार्य किए गए। लेकिन शिविर के दौरान 10 से 12 पट्टों का ही वितरण किया गया। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 9 महिलाओं की गोद भराई की गई तथा 6 बच्चियों का जन्म उत्सव केक काट कर मनाया गया। बोरावड़ से ब्यूरो रिपोर्ट।